अपने में प्राचीन सांस्कृतिक विरासत संभाले हुए कूच बिहार का क्षेत्र राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय रहा और लंबे समय से एक कई दशकों से अलग राज्य की मांग भी यहाँ के लोगों की रही है। हमारे साथ है ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन के संरक्षक और साथ ही साथ केंद्र सरकार से इस मामले में वार्ताकार महाराज अनंत राय जी, स्वागत है आपका। ये बताएं कि अलग राज्य की जो मांग है आपकी वो किन आधार पे है, क्या क्या चाहते हैं? देखिए, हम जो इंडिया का था 1949 में जुड़ा है 28 अगस्त को, और भारत सरकार हमें भारत संविधान में सी कम स्टेट का हमें दर्जा दिया गया है, और वो सी कम स्टेट को जो हमारे था पहले तो 1935 ब्रिटिश प्रादेशिक आइन से हटा के बंगाल का साथ जोड़ दिया गया आइन से। तो जो आइन से हमको 1935 ब्रिटिश प्रादेशिक शासन आइन से हमको बंगाल का साथ जोड़ दिया गया है, ये एक्ट को आइन को ब्रिटिश सरकार ने 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में फाइनली अबंडन किया था। तो जो आइन है नहीं उस आइन से हमको बंगाल का साथ जोड़ दिया गया, इसलिए हम बोले हैं कि हमें संविधान से हमको जगह दिया है। हम चाहते हैं कि संविधान से हमको न्याय मिले, हमको हमारे कुछ बार जो स्टेट है वो पुनर्स्थापित हो जाए। जी, पूरी तरह से देश में जब विलय हुआ उसके बाद भारत का अभिन्न अंग है आपका ये राज्य, बंगाल से आप अलग होके अलग राज्य की जो मांग करते हैं उसके आधार क्या है? सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से क्या क्या कारण है जिस वजह से आप अलग राज्य चाहते हैं? देखिए सर, बात है कि हमारे हमारे जो लैंग्वेज है, भाषा जो है, जो अभी जो हमें सिखाया जाता है हमें तकलीफ होता है, क्योंकि हमारे जो प्राचीन सभ्यता है, हमारे जब कामतापुर राज्य था तब हमारे भाषा था, उस टाइम हमारा राजा भाषा को यूज किया था, राज का जो भाषा था वो था मैथिली भाषा, क्योंकि मिथिला राज था जी। फिर हमारे महाराज नरनारायण का जमाना खत्म हो गया, फिर हमारे कूच बिहार आ गया, तो कूच बिहार जब आ गया तो इस टाइम में हमारे भाषा को बोलता है कि हम हमारे शासन जब था कामतापुर तो हमारे भाषा को कामतापुरी बोलता है, राज्य शासन है कूच बिहार अब भाषा को बोलता है हम लोग कामतापुरी है। तो अभी जो हमें बंगाल का साथ माने इंडिया का साथ शामिल हो गया जी, तो अभी हमको बोलता है क्या है वो राजवंशी भाषा, ये लैंग्विस्टिक शब्द ऑफ इंडिया में आपको राजवंशी गैस इब्राहिम गैस साहब ने लिखा, तो यही कन्फ्यूजन। तो हमारे भाषा को हमारे जो कामतापुर बोलिए, मिथिला बोलिए, राजवंशी भाषा बोलिए, ये मादर लैंग्वेज है असम का और मादर लैंग्वेज है बंगला का जी। हमसे बंगला हो गया, हमारे भाषा से हमारा भाषा असम हो गया। आपकी भाषा भी संविधान की जो विशिष्ट सूची है भाषाओं की उसमें शामिल नहीं है, क्या चाहते हैं? तो हम चाहते हैं कि हम सरकार से हम विनती किया है हमारे भाषा को भारत संविधान अष्टम तपस्वी में हमको जगह दिया जाए, मान्यता दिया जाए, और हमारे स्टेट में ये भाषा पूरी तरह से स्कूल कॉलेज हमारे बच्चे इसको समझे सीखे। जैसे साहब आप देखिए, हम एक आपको बता देते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं बिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं कैट, बांग्ला भाषा में बोलता है बिराल, हम लोग बोलते हैं बिलाई, तो डिफरेंस होता है ना। हाँ, अपनी संस्कृति अपनी भाषा से सबको प्रेम होता है, वो संरक्षित होनी चाहिए, और संविधान में बहुत सारे उपाय भी किए गए हैं। अन्य क्या मांगे हैं आपकी अपने सांस्कृतिक जो विरासत है उसको सजोए रखने के लिए? देखिए साहब, हम अपना बिरादरी से जो हमारे पूर्व पुरुष जिए हैं वो हमारे अभिमान है, हम एक किसी भी हालात में खोना नहीं चाहते, हमारे सभ्यता को विनाश कर दिया ये सभ्यता ने, हमें पूरा विनाश कर दिया, हमारे हर एथिको लात मार दिया, हमें सारी से सारी विनाश किया, आर्थिक सामाजिक भौगोलिक अर्थनैतिक शिक्षा शारीरिक सारी से सारी को विनाश हो गया। तो हम चाहते हैं
हम इंसान हैं, हम इंडिया का साथ जोड़ दिया तो अभी अखंड भारत बन गया। तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने भारत को समझाया, भारत सरकार को समझाया, भारत गवर्नमेंट को समझाया। उस टाइम यूपीए सरकार था, इसका पहले भी बीजेपी का सरकार था, उसके बाद इंडिया 2 साल शासन किया, फिर अभी तो चल रहा है। तो देखिए हम तो इंडिया को जोड़ा, हमारे महाराजा जब इंडिया फ्रीडम हो गया था। एक चीज आपसे और पूछना चाहेंगे कि जो ग्रेटर कूच बिहार का खाका है जो आपके दिमाग में होता है, किन किन जिलों को मिला के आप चाहते हैं कि ग्रेटर कूच बिहार बने? देखिए सर, हम डिमांड कर रहे हैं हमारे 1773 से 1902 इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ महाराजे के साथ टीटी करके जितना भी लैंड ब्रिटिश सरकार ने लिया है, वो लैंड को ब्रिटिश सरकार जो संधि से लिया है उसको टोटली खारिज किया, संधि को खारिज करके हमको रिटर्न किया। जैसे इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 18 जुलाई, जिस एक्ट से, जो कानून से, जिस कानून से पाकिस्तान बना, जिस कानून से हिंदुस्तान बना, इंडिया बना, उस कानून में हमें ए लैंड को कूच बिहार महाराज को रिटर्न किया। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे जो कूच बिहार स्टेट है इसको भारत संविधान में जगह मिले और हमें जीने का अधिकार है। नहीं, जगह तो आपको है, लेकिन उस राज्य की जो आप बात करते हैं, इन कौन कौन से जिले हैं जिनको आप मिला के अपना राज्य बनाना चाहते हैं? जैसे उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर। नहीं ऐसा, यही तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट से लेके जो एक्ट में है वही पर है, अनडिवाइडेड वॉल फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, ये 5 जिला हमारे कूचबिहार जिला में शामिल हो गया जी। वो एज पर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। तो हम चाहते हैं कि हमारे ये जिले को संविधान में स्टेट फॉर्मेशन कर दिया जाए और हमारे विकास में योगदान रहे। बीजेपी छोटे छोटे राज्यों की हिमायती रही है बीजेपी के शासनकाल में, अभी आपका ये गैर राजनीतिक संगठन बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए सर, भारत जो फ्रीडम हुआ यह हमने नहीं देखा। हमारे महाराज भारत का साथ संधि किया, हमने भारत का साथ जोड़ दिया गया, हमको पता नहीं था। मेरा जन्म है 1958 को, तो उस टाइम में कहानी मैं नहीं जानता हूँ। जब से मेरा ज्ञान आया तब से मैं देखा हूँ, तो ये भारत का जितना भी हमने प्रधानमंत्री देखा, सबसे बेटर एंड बेटर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास, हम फख्र करते हैं, गर्व करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। हमारे भारत को सारा विश्व में दर्शन किया, हर विश्व ने दो बाहु मिला के उसका स्वागत कर रहा है, अच्छा अच्छा बातें हो रहा है, डेवलपमेंट का बातें हो रहा है, सुरक्षा का बातें हो रहा है, एनवायरमेंट का बात हो रहा है, आदमी इंसान इंसानियत किस तरह का जिंदगी जीना चाहिए इसको बातचीत हो रहा है। आपको उम्मीद है कि सेंटर आपके इस मांग को मानेंगे? तो हम जानते हैं कि ये विकास पुरुष है, तो हमें भी विकास करें, हमारे भी अधिकार दे देंगे। तो देखिए कितना अच्छा है कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री कितना अच्छा समझदार है, कितना अच्छा सोच है। तो हम चाहते हैं कि हमें भी आशीर्वाद करें। हम आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि ममता बनर्जी ने अभी कहा कि बंगाल का दिल है ये इलाका, दार्जिलिंग, कूच बिहार, दिल वो अपना नहीं तोड़ेंगे, बंगाल को नहीं तोड़ेंगे, इस पर क्या राय देंगे आप? देखिए हम चाहते हैं, देखिए बंगाल हमारे पड़ोसी स्टेट है, हम चाहते हैं कि आदरणीय जो हम मतलब मुख्यमंत्री जी की अपील करते हैं, करेंगे कर रहे हैं कि वो हमारे संविधान को देखे, हमारे टीटी को देखे, फिर इस तरह का बात करें। दशकों से ये मुद्दा रहा है अलग राज्य का, ग्रेटर कूच बिहार का,
और ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी है इस समय के मौजूदा विधानसभा चुनाव में जो कि बंगाल में चल रहे हैं। निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल एक बड़ा राज्य है और साथ ही साथ यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए बड़े दिल से सोचने की भी जरूरत है। कैमरा पर्सन एल लक्ष्मीकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD News, कूचबिहार।